हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं जोम्बी लैंड मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.6। मूवी स्टार्ट होती है अमेरिका से, जहाँ पर कोलंबस नाम का एक लड़का अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, जहाँ पर वो बताता है कि जो मोटे लोग होते हैं उन्हें जोम्बी बड़ी जल्दी खा जाते हैं, क्योंकि वे लोग भाग नहीं पाते हैं तेजी से। फिर कोलंबस अगली स्टोरी बताता है, जहाँ पर एक लेडी के पास एक जोम्बी भागता भागता आ रहा होता है, और वो लेडी उसे गोली भी मार देती है, पर वो मरता नहीं है, और उस लेडी को लगता है कि वो जोम्बी मर गया है। थोड़ी देर के बाद वो जोम्बी उस लड़की की टांग पकड़ लेता है और उसे खा जाता है, और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर काफ़ी सारे जोम्बी आ जाते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बाथरूम में बैठा हुआ होता है, पर तभी वहाँ पर वो ज़ोंबी आ जाता है और उस आदमी को भी काट लेता है। कोलंबस ने हर सिचुएशन के लिए कुछ रूल बना रखे होते हैं, जो उन रूल को फॉलो नहीं करता वो मारा जाता है ज़ोंबी के हाथों। उस लेडी के पीछे उसके रिलेटिव ही पीछे पड़ जाते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो लेडी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, पर आगे जाके उस लेडी का एक्सीडेंट उस ट्रक से हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। फिर कोलंबस का हमें एक और रूल पता चलता है कि सीट बेल्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। फिर एंट्री होती है जेसी आइसनबर्ग की, जिसका इस मूवी में नाम होता है कोलंबस, और वही हमें इस मूवी की स्टोरी सुना रहा होता है। जैसे ही कोलंबस उस डोर को अनलॉक करता है, वो ज़ोंबी बाहर आ जाता है। फिर कोलंबस अपना रूल नंबर वन कार्डियो स्टार्ट कर देता है, वो वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागने लग जाता है। फिर कोलंबस उस गाड़ी से वहाँ से निकल जाता है, पर वो देखता है कि उस गाड़ी के अंदर भी एक ज़ोंबी होता है। फिर कोलंबस काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चलाने लग जाता है। फिर कोलंबस कसकर ब्रेक मारता है, जिससे वो ज़ोंबी गाड़ी के बाहर चला जाता है। कोलंबस उसी गाड़ी के अंदर होता है, क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहनी होती है। वो ज़ोंबी फिर से कोलंबस पर हमला करने के लिए आता है, पर कोलंबस उसे गोली मार देता है। वो ज़ोंबी अभी भी जिंदा होता है, पर कोलंबस उसे फिर से गोली मारता है और अपना रूल नंबर 2 डबल टैप का यूज़ करता है। फिर कोलंबस वहाँ से निकल जाता है अपना ट्रैवल लाइट बैग लेकर। कोलंबस की तरफ एक गाड़ी आ रही होती है काफ़ी तेज़ी से, उसे देखकर कोलंबस वहाँ से भागने लग जाता है। फिर एंट्री होती है वुडी हारेलसन की, जिसका इस मूवी में नाम होता है तालाहासी। फिर कोलंबस तालाहासी से लिफ्ट के लिए बोलता है। फिर कोलंबस अपना रूल नंबर 31 चेक द बैक सीट को सोचने लग जाता है। फिर वे दोनों टेक्सरकाना के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। फिर तालाहासी कोलंबस को बताता है कि वो एक मार धाड़ वाला आदमी है। फिर तालाहासी को एक होस्टेस देखने को मिलती है, जिसमें उसे लगता है कि उसके अंदर पेस्ट्रीज होगी, क्योंकि पेस्ट्री उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। जब तालाहासी उस डोर को खोलता है, तो उसे पेस्ट्रीज की जगह स्नोबॉल देखने को मिलती है वहाँ पर। फिर कोलंबस सारे बाथरूम चेक करने के बाद फिर उस बाथरूम में जाकर बैठता है, जहाँ पर उसे जोकर का भी डर लगता है, जहाँ पर कोलंबस हमें बताता है कि उसे एक जोकर से भी डर लगता है। फिर कोलंबस हमें अपने घर की कहानी बताने लग जाता है, जब वो वहाँ पर रहता था, तभी उसका कोई दरवाज़ा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से खड़खड़ाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी हॉट पड़ोसन को, जो काफ़ी डरी हुई होती है और उसके आके गले लग जाती है काफ़ी तेज़ी से। फिर वो बताती है कि एक आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो उसे काटने ही वाला होता है, पर वो बचकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो कोलंबस को एक किस करती है और उसके कंधे पर सो जाती है। वे दोनों सो जाते हैं वहाँ पर। कोलंबस को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि उसकी हॉट पड़ोसन उसके कंधे पर सर रखकर सो रही होती है। जब कोलंबस सुबह उठकर देखता है, तो उसकी हॉट पड़ोसन एक ज़ोंबी बन चुकी होती है, और वो कोलंबस को काटने ही वाली होती है, पर कोलंबस वहाँ से भागने लग जाता है। जब वो लड़की कोलंबस के पीछे भाग रही होती है, तो उसका पैर उस दरवाजे में फंस जाता है और कोलंबस उसका पैर तोड़ देता है वहीं पर अटका कर। कोलंबस उस ज़ोंबी के सर पर एक प्लास्टिक की सीट मार देता है और उसे उसी दरवाजे के अंदर बंद कर कर आ जाता है। पर तभी वो ज़ोंबी काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, पर कोलंबस उसे दोबारा मारता है और वो वहीं मर जाती है। फिर हम एक और ज़ोंबी को देखते हैं, जो उस आदमी की अंतड़ियाँ खा रही होती है काफ़ी मज़े से, पर तालाहासी उस ज़ोंबी के मुंह पे कार का दरवाज़ा मारकर भाग जाता है वहाँ से। फिर तालाहासी एक ग्रोसरी की दुकान पर रुकता है, जहाँ पर उसे लगता है कि उसे पेस्ट्री खाने को मिलेगी। फिर तालाहासी अपने सारे हथियारों को देखने लग जाता है, जिससे वह ज़ोंबियों को मारेगा वहाँ पर। फिर तालाहासी म्यूज़िक बजाकर सारे ज़ोंबियों को बुला लेता है बाहर, और फिर वो उस ज़ोंबी के सर पर वार करता है, जिससे वो ज़ोंबी मर जाता है वहीं पर।
फिर वहाँ पर एक और सांड ज़ोंबी आता है जिसे तालाशी मार देता है उस औजार से। फिर वहाँ पर हम देखते हैं विचिता को जो उन लोगों से मदद मांगती है। फिर कोलंबस अपने जाने का रास्ता भी तैयार करके जाता है वहाँ से। फिर तालाशी कोलंबस को बताता है कि उसकी बहन को ज़ोंबी ने काट लिया है और वो थोड़ी देर के बाद ज़ोंबी बन जाएगी। फिर विचिता कोलंबस को कहती है कि तुम मेरी बहन को मार डालो। फिर लिटिल रॉक कहती है कि तुम मुझे मार डालो, मैंने अपनी बहन को ही कहा है कि मुझे मार डालने के लिए। फिर वे लोग तालाहासी को देते हैं उसे मारने के लिए, पर उसकी बहन विचिता कहती है कि वो कहती है रुको, और वो फिर तालाहासी से बंदूक ले लेती है और वो कहती है कि मैं अपनी बहन को खुद शूट करूंगी। फिर वो अपनी बहन को शूट करने वाली होती है, पर तभी वो बंदूक तालाहासी की तरफ मोड़ देती है। फिर वो तालाहासी से कहती है अपनी गाड़ी की चाबी और जितने तुम्हारे पास हथियार है वो सब हमें दे दो। फिर वो दोनों बहनें उनसे सब कुछ लेकर चली जाती हैं वहाँ से। वो दोनों बहनें उनके सामने से उनकी गाड़ी को ले जा रही होती हैं। फिर विचिता अपनी बहन को कहती है कि कैसे बेवकूफ़ लोग थे वो। फिर कोलंबस को एक कार दिखाई देती है और कोलंबस कहता है कितनी बढ़िया कार है। फिर तालाशी कहता है ये कोई कार है और वो उसे तोड़ने लग जाता है वहाँ पर। जब वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो तालाशी को एक कार दिखाई देती है जो कि काफ़ी बढ़िया होती है। फिर तालाहासी उस स्टीयरिंग पैर से उस हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा होता है जो कि उस पर चिपके होते हैं। फिर तालाहासी और कोलंबस को एक बैक सीट पर एक बैग भी दिखाई देता है जिसमें काफ़ी सारे हथियार होते हैं और वे लोग काफ़ी खुश भी हो जाते हैं उन्हें देखकर। और फिर वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर तालाहासी अपने डॉग के बारे में बताता है जिससे वो बहुत प्यार करता था, जिसे ज़ोंबियों ने काट कर उसे पागल कर दिया था। फिर तालाहासी को वही कार दिखाई देती है जो लड़कियाँ उन लोगों से ले गई थी। फिर तालाशी उस कार में जाकर चेक करता है कि कोई है तो नहीं, और फिर वो कोलंबस को बताता है कि इस कार में कोई भी नहीं है। फिर तालाशी अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं लिटिल रॉक को जिसने कोलंबस को बंदी बना लिया है। थोड़ी देर के बाद वो अपनी बहन को भी बुला लेती है वहाँ से जो वहाँ पर छुपी होती है। वे दोनों बहनें उन लोगों को बंदी बनाकर ले जा रही होती है अपने साथ। फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों बहनें कितनी चालू होती हैं। विचिता अपनी अंगूठी खोने का नाटक कर रही होती है वहाँ पर, और वो उस आदमी को कहती है कि मेरी अंगूठी खो गई है यहाँ पर और वो काफ़ी महंगी है इस कार से भी, और मुझे एयरपोर्ट के लिए देरी हो रही है। वो आदमी कहता है कि मैं ढूंढकर आपको कुरियर कर दूंगा, आप अपना नंबर दे दो मुझे। वो आदमी उससे नंबर ले लेता है उसका। फिर वहाँ पर लिटिल रॉक आ जाती है जिसे वो आदमी भी देख लेता है जिसे वो अंगूठी मिल गई है। फिर वो आदमी लिटिल रॉक को काफ़ी सारे पैसे देता है उस अंगूठी के बदले में, और ऐसा करके उन दोनों बहनों का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो कहती है कि मैं ये अंगूठी पहन लेती हूँ। फिर हम देखते हैं तालाहासी लिटिल रॉक से बंदूक छीन लेता है और उस पर तान देता है। थोड़ी देर के बाद विचिता भी तालाहासी पर बंदूक तान देती है। फिर कोलंबस उन दोनों को समझाता है कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद वे चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर कोलंबस विचिता को अपनी कहानी सुनाने लग जाता है और वो कहता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर कोलंबस उस गाड़ी से उतरकर कोलंबस जाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर कोलंबस सोचता है कि इससे बढ़िया लड़की तो मुझे नहीं मिलेगी, और वो गाड़ी से नहीं उतरता है। फिर वे लोग रात गुजारने के लिए वहाँ पर रुकते हैं। तभी वहाँ पर एक भागता भागता ज़ोंबी आता है जिसे तलाशी उड़ा देता है। थोड़ी देर के बाद हम कोलंबस को देखते हैं जो कि परफ्यूम लगाकर विचिता को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद वे सारे जने वहाँ का सामान तोड़ने लग जाते हैं और वे काफ़ी खुश हो जाते हैं उसे तोड़कर। फिर तालाहासी उस अखबार में एक एड्रेस देखता है जो कि महल का होता है, और फिर वे सारे जने बिल मरे के महल में चले जाते हैं। फिर वे सारे लोग महल में चिल करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम वहाँ पर बिल मरे को देखते हैं जो कि ज़ोंबी के अवतार में वहाँ पर आ जाता है। तभी विचिता उस रोड से उस पर हमला करती है काफ़ी ज़ोर से, पर फिर बिल मरे कहता है वो कोई ज़ोंबी नहीं है, वो तो इंसान है, उसने तो गेटअप धारण किया है इसका। तभी बिल मरे उन दोनों को डराने के लिए वहाँ पर आ जाता है, पर कोलंबस उस पर गोली चलाकर उसे वहीं पर मार डालता है। फिर कोलंबस बिल मरे से माफ़ी मांगता है और वो कहता है मुझे माफ़ कर दो। फिर वे लोग बिल मरे को चार तोपों की सलामी देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं वहाँ से। फिर तालाशी अपने बेटे के बारे में बताता है उन लोगों को। वो कहता है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, पर तालाहासी का बेटा भी मर जाता है। जब वे दोनों अगली सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि वे दोनों लड़कियां फिर से उन्हें चूतिया बनाकर चली गई हैं उनकी कार लेकर। फिर विचिता अपनी बहन को कहती है कि मेरे अलावा किसी पर भरोसा मत करना। फिर वे दोनों प्लेलैंड पहुंच जाते हैं। वो दोनों अपना सामान पैक करने लग जाते हैं, पर कोलंबस कहता है तो मैं तो उनके पीछे जा रहा हूँ। फिर
फिर विचिता उस प्लेलैंड की सारी लाइटें ऑन कर देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर जोम्बी भी वहाँ पर आ जाते हैं। जब वे दोनों बहनें उस राइड का मज़ा ले रही होती हैं, तभी जोम्बी भी एक एक करके वहाँ पर आने लग जाते हैं। फिर विचिता उन जोम्बियों को मारते हुए वहाँ से भागने लग जाती है। फिर वे दोनों बहनें गाड़ी में बैठ जाती हैं, पर जोम्बी उस गाड़ी में भी आ जाते हैं। फिर वे दोनों बहनें उस चलती हुई गाड़ी से कूद जाती हैं, पर जोम्बी फिर से उनके पीछे लग जाते हैं। हम फिर से अपने हीरो कोलंबस को देखते हैं, जो उन लड़कियों को बचाने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद हम अपने हैवी ड्राइवर को झाड़ियों में देखते हैं। फिर तालाहासी कहता है, चल मैं तेरे को लिफ्ट दे देता हूँ वहाँ तक। फिर वो उस लिफ्ट सी में बैठ जाती है और जोम्बियों को मारने लग जाती है वहाँ से, पर जोम्बी आते रहते हैं काफ़ी तादाद में। फिर वो उस बॉक्स में गोली मार देती है, जिससे लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही थी। फिर तालाहासी और कोलंबस वहाँ पर पहुँच जाते हैं उन दोनों को बचाने के लिए। फिर कोलंबस विचिता और उसकी बहन को देख लेता है और उनकी आवाज़ सुन लेता है। फिर तालाहासी उन जोम्बियों को अपने पीछे ले जाता है और फिर एक एक करके तालाहासी उन जोम्बियों को मारने लग जाता है वहाँ पर। फिर कोलंबस उन जोम्बियों से बचने के लिए हॉन्टेड हाउस में घुस जाता है। एक जोम्बी कोलंबस का पीछा करते करते हॉन्टेड हाउस में घुस जाता है, जहाँ पर कोलंबस उस जोम्बी को मार देता है। फिर तालाहासी अपने आप को उसके अंदर लॉक करके उन जोम्बियों को शूट करने लग जाता है वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से, और फिर वो उन सारे जोम्बियों को मार देता है वहाँ पर। जब कोलंबस वहाँ से निकलता है, तो कुछ जोम्बी उसका पीछा कर रहे होते हैं, पर वो जोम्बी उससे टकरा कर मर जाते हैं वहीं पर। जब कोलंबस विचिता को बचाने के लिए जा रहा होता है, तो उसके सामने वो जोकर आ जाता है, जिससे वो सबसे ज़्यादा डरता है। फिर कोलंबस कहता है, या तो ये जोकर नहीं या फिर मैं नहीं। फिर वो जोकर उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, जो कि एक जोम्बी होता है, पर कोलंबस उस पर वार करता है। फिर उसके वो सर पर वार करता है, जिसमें वो जोकर मर जाता है। फिर एंड में जाके कोलंबस विचिता और विचिता की बहन को बचा लेता है वहाँ से। फिर तालाहासी उन पेस्ट्रीज को देखता है, जो कि टूट चुकी होती हैं। फिर तालाहासी और कोलंबस को लगता है वे लड़कियाँ उन्हें फिर से धोखा देकर जा रही हैं, पर वे आगे जाकर कार को रोक देती हैं। फिर लिटिल रॉक तालाहासी को वो पेस्ट्री फेंक देती है और वो उसे कैच कर लेता है, जिसे देखकर तालाहासी बड़ा खुश हो जाता है। रूल नंबर 32, इंजॉय द लिटिल थिंग्स। फिर वे दोनों उन दोनों को लिफ्ट दे देती हैं और अपने साथ ले चलती हैं वहाँ से, और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।